हाय दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कुछ आइडियाज जिससे आप अंग्रेजी बोलने में आपको आसानी हो सके। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि अंग्रेजी बोलने के लिए हमें ऐसे फ्रेंड्स चाहिए होते हैं, ऐसे फ्रेंड सर्कल चाहिए होता है जो हमारा मजाक ना बनाए। तो फेसबुक एक ऐसा माध्यम है जिसमें नए फ्रेंड होते हैं जो आपको जानते नहीं है, आप उनसे चैट कर सकते हैं वो भी अंग्रेजी में। कोशिश करें जो फ्रेंड बनाए वो अंग्रेजी में आपसे बात करे, अंग्रेजी में चैट करे, जिससे आप अंग्रेजी की प्रैक्टिस भी आपके इसके साथ साथ हो सके। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों आपके पास कि आप ऐसा सर्कल क्रिएट करें जैसे कस्टमर केयर हो गया। आप ऐसे कस्टमर केयर में कॉल करें जो आपका छोटे मोटे टीवी का हो गया या फिर प्रिंटर वगैरह का, कहीं से भी कॉल नंबर ले लिया, उनको कॉल किया। न्यू फ्रेशर ना आपको उनको फेस देखना है ना फेस टू फेस होना है, बस आपको कॉल करना है जिसका कोई टोल फ्री नंबर साथ है, जिसमें आपका पैसा भी नहीं लगेगा और आप बात कर सकते हैं और अपना इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हैं। दोस्तों एक और आइडिया है इसके अलावा दोस्तों, जिसे हम कहते हैं मिरर, मतलब आप आईने के सामने खड़े हो जाइए और अपने आप से बात कीजिए, क्योंकि आप फेस टू फेस अपने शक्ल को देखेंगे, आप बोलते टाइम कैसे लग रहे हैं, आपका बॉडी मूवमेंट कैसा है, ये सारी चीजें आ जाती हैं सर दोस्तों इसमें बोलने में। तो ये बहुत बढ़िया तरीका है कि आप मिरर के सामने घर में अपने प्रैक्टिस कीजिए, एक नोट्स बना लीजिए, उसे बोल के देखिए उस स्पीच को आप कैसे बोलते हैं। सेकेंड थिंग ये है कि मिरर के अलावा आप ऑफिस में या घर पे भी आपको जब भी टाइम मिले तो दोस्तों आप इस चीज को प्रैक्टिस किया जा सकता है। एक आइडिया है दोस्तों, ये भी है अंग्रेजी बोलने के लिए कि आप अपने पसंदीदे कुछ गाने की लिस्ट ले लीजिए जो कि अंग्रेजी में हो, उनको आप अपने स्मार्टफोन से सुनिए। इसके अलावा आप कुछ ऐसे स्टोरी वगैरह ले लीजिए, छोटी छोटी स्टोरी आती है बच्चों की, पोएम टाइप की, उस स्टोरी को आप ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड कर लीजिए और देन आप अपने जब आप खाली टाइम हो, आप ऑफिस से आ रहे हैं, ऑफिस से जा रहे हैं, तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, उन्हें सुन सकते हैं, उनकी मीनिंग्स निकाल सकते हैं। दोस्तों ये बहुत अच्छा एक ऑप्शन होता है अंग्रेजी सीखने का दोस्तों। तो दोस्तों ये कुछ आइडिया थे जिससे आप अंग्रेजी सीख सकते हैं जल्दी। अप टू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।